सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, अगर आपने HDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा है तो अगर आपको वेलकम किट नहीं मिला तो अगर आपने अकाउंट ओपन करा तो आपको 7 से 8 डेज के अंदर में आपको एड्रेस पे डिलीवर वेलकम किट कर दिया जाता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ HDFC बैंक का मैं वेलकम किट अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा। फ्रेंड्स इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या चीज़ नहीं मिलता, इस वीडियो में पूरा लाइव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने में छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि मेरे पास आया तो पहले से मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया, फिर भी आपको मैं इसका रिव्यू दिखा देता हूँ इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है आपको। सर में यहाँ पर आपको मिलेगा फाड़ने का ऑप्शन, आपको यहाँ से आपको इसका फाड़ लेना, इसका चीज़ पूरा निकाल लेना। चलिए मैं आपको इसको निकाल कर बाहर निकाल के पूरा इसका रिव्यू दिखला देता हूँ। मैंने निकाल लिया, चलिए इसका ये प्लास्टिक में इसको साइड में यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या चीज़ मिलता है मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे एक पेपर आपको मिलता है, यहाँ पे HDFC बैंक का यहाँ पे दिया है। ये QR स्कैन करेंगे तो ये HDFC पूरे अकाउंट की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। इसमें बता दिया अकाउंट को कैसे आपको मैनेज करना है, कि चेकबुक का देखिए आपको लोगो दिखा देगा। ये सारी फंडिंग आपको HDFC बैंक के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर भी मुझे HDFC बैंक का एक पेपर मिला हुआ, इसमें बताया जा रहा है किस किस तरह से HDFC बैंक का आपको डेबिट कार्ड यूज करना है, नेट बैंकिंग आपको यूज करना है, सारी चीज़ आपको इस पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। ये HDFC बैंक का देखिए लोगो यहाँ पे लगा, HDFC बैंक लिखा हुआ। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद चलिए यहाँ पे मैं देखिए ये मिल जाता है HDFC बैंक का, इसमें देखिए ये कुछ नंबर्स यहाँ लिया रहता है यहाँ पे, इसी के अंदर में आपको डेबिट कार्ड मिलता है। चलिए मैं इसको दिखला देता हूँ किस तरह का डेबिट कार्ड रहता है, क्या कह रहा है। चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ, लास्ट में आपको दिखाऊँगा इसमें इस डेबिट कार्ड को पूरा रिव्यू। यहाँ पे ये डेबिट कार्ड का कुछ यहाँ पे ये पिन मिलता है, ये आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का है, इसी के बीच में रहता है ये डेबिट कार्ड का पिन रहता है। अब जब भी इसको फाड़ेंगे तो साइड से फाड़ेंगे, ये साइड से जहाँ से वाइड जरा इस तरह फाड़ेंगे ताकि ये पिन यहाँ पे मिटे नहीं, फटे नहीं, क्योंकि पिन फट जाएगा तो मिट जाएगा तो क्योंकि आप ATM का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसी में ATM का ये पिन रहता है, ये दोनों में आपको ATM का पिन आपको मिल जाता है, ये दोनों ATM पिन, इसमें ATM पिन लिखा हुआ है। इसको आप सही से रखेंगे क्योंकि ये फटे नहीं, हराए नहीं, इसको साइड में आपको सही से रख देना क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम ATM जाएंगे पैसा निकालने इसी के अंदर में पिन रहेगा, वही पिन डालेंगे तभी आप पैसा HDFC बैंक के ATM से निकाल सकते हैं। ये इसको यहाँ से मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद और क्या चीज़ मिलता है, देखिए ये यहाँ पर एक पेपर मिल जाता है, इसमें वही HDFC बैंक के बारे में बताया जाता है कैसे कैसे आपको नेट बैंकिंग ओपन करना है, किस तरह से आपको इसका चीज़ फॉलो करना है, सारी चीज़ आपको इसमें दिखाई देती है। और यहाँ पे साइड में रख लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मिलता है ये HDFC बैंक का आपको चेकबुक मिलता है, ये HDFC बैंक का चेकबुक आप चेक काट सकते हैं। यहाँ पे HDFC बैंक का पूरा चेकबुक है। ये चेकबुक किस चीज़ में कम था, जब भी आप कुछ बाइक कुछ निकालेंगे, कुछ चीज़ का लोन लेंगे, ये चेकबुक आपको उस चीज़ में, ये चेकबुक उस समय आपको ये काम आएगा। चेकबुक आपको सही से रखे रहना। इसका भी देखिए बैक साइड करेंगे तो यहाँ देखिए बैक साइड यहाँ पे वाइट है, और जो करेंगे देखिए आपको यहाँ पे ये अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा, पूरी चीज़ QR कोड आपको शो करेगा। चलिए इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। इसके बाद आपको मिल जाता है HDFC बैंक का यहाँ पर आपको पासबुक मिल जाता है, ये HDFC बैंक का पासबुक है। आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपके जितने अकाउंट नंबर है, ये पैन आधार नंबर, पैन नंबर, कस्टमर आईडी सब इसमें शो करेंगे। इसमें आप जब भी कितना ट्रांजेक्शन करेंगे, क्या किस समय कितने डेट को लगा लें, वो प्रिंट आउट करके इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये HDFC बैंक का पासबुक है क्योंकि ये बड़ा बेस्ट पासबुक से देखने में कुछ ही अलग कलर का ये पासबुक लग रहा है, बड़ा बेस्ट पासबुक है। चलिए इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर मिलता है, ये पेपर में देख कुछ लिखा हुआ, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखता हूँ। यहाँ पे एक पेपर मिलता है, इसमें देखिए लास्ट में अकाउंट नंबर है, यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर ये सब शो करेगा, कुछ नंबर से अकाउंट नंबर हाइड करा हुआ है इसलिए यहाँ कुछ अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है। HDFC बैंक इसमें बहुत सारी कस्टमर को ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये बैंक बहुत ही बेस्ट बैंक है। अगर इसमें अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं बहुत ही बेस्ट बैंक, इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बहुत सारी फीचर इस बैंक में आपको मिलती है। लगभग ये HDFC बैंक में आपको कम से कम 4 तरह के आपको सामान मिलते हैं, पासबुक मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे चेकबुक मिल जाते हैं, ATM मिल जाते हैं, ATM का पिन मिल जाते हैं, क्योंकि इसी HDFC बैंक में हर कुछ आपको डिलीवर कर दिया जाता है, पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, पिन, जितना कुछ आपको एक बार ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आपको
एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है जितना कुछ होता है। आप एटीएम जाएंगे तो वहाँ पिन भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने मनपसंद का पिन वहाँ पे रख सकते हैं, जो भी एक एचडीएफसी बैंक के एटीएम का पिन रखना चाहते हैं। आपने इस वीडियो में देखा एचडीएफसी बैंक का चेकबुक एटीएम अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको देखा है, इस वीडियो में पूरा आपने लाइव देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कन्फ्यूजन कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।